नमस्कार साथियों, समाजवादी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप कितने बजे आया था? रात के 10 बजे। बताओ कैसी काउंटिंग कर रहे थे? बोरा जी को बुखार आ गया था, बोरा जी को बुखार आ गया था 6 बजे। और ये हमारे विनय तिवारी बैठे हैं, बताओ कितना पैसा बांटा गया आपके खिलाफ। और ये हमारे वहां बैठे हैं किशन दीक्षित, हालांकि वो भाषा ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था ये चुनाव हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लगा दिया, ये 20 राउंड तक जीते हैं चुनाव, 20 राउंड तक चुनाव जीते। अधिकारी लंच करने चले गए, रोक दी काउंटिंग और 25वें राउंड के बाद चुनाव हार गए। याद है बनारस में ईवीएम पकड़ी गई थी, पकड़ी गई थी कि नहीं पकड़ी गई थी? और ये कानून कहता है, ये नियम कहते हैं इलेक्शन कमीशन के, कि अगर ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता उनकी जानकारी भी होना चाहिए और पूरी सुरक्षा के साथ जाना चाहिए, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं, ईवीएम जारी थी। तो जो लोग 20 राउंड तक जीते हो, बताओ 5वें राउंड में हार गए। हमारे डॉक्टर साहब 27 राउंड तक जीत रहे थे और कितने राउंड में हार गए? 3500 से हरा दिया गया। बम्बू तुम्हारे यहाँ तो गंगा का पानी बांटा गया था, क्या बांटा गया था जो हार गया? ये आज तो उपाध्याय इनके पिताजी कभी नहीं हारे। बताओ पिताजी कितनी बार थे आपके विधायक? 5 बार पिताजी विधायक, फिर ये विधायक, 2 बार हो गए, इस कभी नहीं हार सकते थे। तो बताओ इन्हें कितना घेर के हरा दिया है? रमेश दुबे जी को हरा दिया, आपको क्यों हरा दिया? उसी समय आपको समझ में आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी।